हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम कुलदीप सिंह, आप देख रहे हो कुलदीप ट्वेंटी फोर टेक चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसमें आपका फ़ोटो एकदम बेहतरीन बन जाएगा। तो गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली इसके कुछ फ़ोटो बनाए हुए एप्लीकेशन के। तो गाइस, आप देख सकते हो जो पीछे का बैकग्राउंड है वन क्लिक में मैंने चेंज कर रखा है, और जो ये आदमी है ये भी मैंने वन क्लिक में ही लगा रखा है। उसके बाद ये चश्मा है ये भी मैंने नकली चश्मा लगा रखा है। उसके बाद ये जो बैकग्राउंड है ये भी दूसरा लगा रखा है। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से अपने फ़ोटो को बनाना चाहते हैं तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और प्लीज, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मेरी आने वाली दूसरी वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो गाइस, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो गाइस, सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ऐड आएगा तो उस ऐड को क्लोज कर देना है। जैसे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो सिंपली आपको प्लस के निशान पर जाना है। जैसे आप प्लस के निशान पर जाएंगे सिंपली आपको कटआउट पर क्लिक कर देना है। जैसे कटआउट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आपको ये एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस, मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको एक यहाँ से राइट का ऑप्शन मिल जाएगा यानी कि सही का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक बार इस पर क्लिक कर देना है तो आपका फ़ोटो PNG में बन जाएगा। तो गाइस, सिंपली आपको अपना फ़ोटो इस तरीके से सेट कर लेना है अलग साइड में। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे जैसे ही, अब तो ऑटोमेटिकली आपका ये बैकग्राउंड लग जाएगा। तो आप ध्यान रखिए आपका नेट ओपन होना चाहिए। तो गाइस, मेरा नेट बंद था इसलिए लगा नहीं। तो सिंपली आपको दोबारा से क्लिक कर देना है तो ये आपको बैकग्राउंड इसी तरीके से लग जाएगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट पर जाना है। जैसे आप इम्पोर्टेंट पर जाते हैं तो यहाँ से आप कोई भी एक बंदा सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक बंदा सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको राइट कर देना है। जैसे आप राइट कर देते हैं गाइस, तो सिंपली आपको इसे बड़ा कर लेना है। जैसे आप बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से सेट कर लेना है। उसके बाद अगर आप स्टिकर लगाना चाहते हैं अपने अपने चेहरे पर तो यहाँ से आप स्टिकर भी लगा सकते हैं गाइस। तो अगर मैं चश्मा लगाना चाहता हूँ तो चश्मा भी आप लगा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो चश्मा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ गाइस। तो ये चश्मा लग चुका है, तो सॉरी गाइस, मैं दूसरा चश्मा लेना पड़ेगा, दूसरा चश्मा ले लेता हूँ मैं भी। तो वैसे इसे छोटा कर लेता हूँ मैं। तो वैसे ये चश्मा लग चुका है। उसके बाद यहाँ से कोई भी स्टिकर दूसरा लगा सकते हैं आप अपने फ़ोटो पर। तो यहाँ से आपको बहुत सारे स्टिकर भी मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप अपना नाम लिखना चाहते हो तो यहाँ से अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आप फिल्टर भी चेंज कर सकते हो बहुत सारे प्रकार के, इसमें आपको फिल्टर मिल जाएंगे। तो मूवी फिल्टर, इफेक्ट मूवी, बहुत सारे इफेक्ट फिल्टर आपको इसमें मिल जाते हैं गाइस। तो यहाँ से आप कोई भी फिल्टर अपने फ़ोटो पर लगा सकते हैं, बहुत सारे उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली आप सेव पर जाइए और ये गाइस आपका ये फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो नेक्स्ट दिन। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।